ओके सर, हेलो एवरीवन, कम बैक टू माय चैनल सुबह से व्लॉग्स। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। तो गाइस, मैं आज कुछ व्लॉग आपसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आज मैं जा रहा हूँ वाजिद भाई के पास, जिनके बहुत सारे एक्सपर्ट बर्ड्स आते रहते हैं। तो भाई के पास कुछ एक रेयर बर्ड आई है, वो हम देखने जा रहे हैं, और काफ़ी एक्सपांसिव बर्ड है, और उनके साथ और साथ में बहुत सारे दूसरे बर्ड्स भी होंगे, कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं और पूरा देखते हैं। तो ओके गाइस, मैं फाइनली पहुंच गए भाई के शॉप में। तो अभी देखिए भाई के पास बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स आए, जो बेबी से अलग अलग मतलब स्टॉक आ गए भाई के पास। तो भाई अभी के पास एक यूनिक चीज आई है, एक यूनिक बर्ड आया है, काफी ज्यादा रेयर है और एक्सपेंसिव बर्ड है, जो कि आपको मुंबई में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वो सब स्पीसीज है, तो वो सब भाई आपको बताएंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं भाई का क्या क्या चीज है। ये बर्ड है, इसका नाम लॉरिकेट है, और ये जो है ये येलो बैक चैटिंग लॉरी बोला जाता है इसको। ये फुली टॉकिंग बर्ड है और फुली बात करने में एकदम पागल जैसा बात करता है, क्योंकि इसका नाम ही चैटिंग लॉरी है। कम वेलवेट फुल टेम है, फुल टेम है, और एकदम कलर देखिए इसका नेचुरल कलर है इसका, कोई भी इसमें वो नहीं है, और ये फुल टॉकिंग करती है। अभी ये 1 ईयर की है, फुली टॉकिंग बर्ड वेलवेट, तो काफी एक्टिव भी लग रही है अभी। बहुत एक्टिव बर्ड है, बहुत एक्टिव है। तो ये किधर से नेटिव है भाई? ये इसका जो है नेटिव जो है मतलब ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया जगह पाई जाती है। हाँ, तो भाई जो इसकी केयर है वो कैसे रहती है, क्या इनक्लोजर रहना चाहिए इसका? इसका जो फूड आता है, इसका फूड पूरा ऑनलाइन मिल जाता है, जैसा लॉरी नेक्टर हो गया, लॉरी नेक्टर है, लॉरी फूड हो गया, फिर सब इसका पूरा अलग से एक प्रोडक्ट आता है, वो आपको चाहिए लॉरी ब्रीडिंग फॉर्मूला भी आता है, सबके सब ऑनलाइन मिल जाएगा या आपको कोई भी पेट शॉप पे मिल जाएगा। अब ये कलर देखते हैं, इसको येलो बैग चैटिंग लॉरी बोलते हैं, क्योंकि येलो बैग इसका होता नहीं, बेसिकली थोड़ा सा येलो स्पॉट होता है, जिससे इसका नाम येलो बैग चैटिंग, जो कि इधर पे है उसका येलो बैग में। तो ये मतलब लॉरी ब्रीड में सबसे एक्सपेंसिव ब्रीड होगी। हाँ, ये एक्सपेंसिव है, सबसे ज्यादा लास्ट जो लॉरी की सबसे बड़ी साइज है वो यही साइज होती है। तो ये कितने मंथ की रहेगी? ये अभी जैसे अभी 1 ईयर के आसपास ही है, 1 ईयर की है। तो इसका जो फीडिंग है वो सब ऑनलाइन रहेगा, जो मिलता है सब मिल जाता है। इसका पपैया सॉफ्ट फूड ज्यादा खाती है, क्योंकि इसकी बीज इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो ये सॉफ्ट फूड ज्यादा खा लेती है। तो जो इसका इनक्लोजर है वो ऐसे रहने चाहिए, नॉर्मल केज में ऐसे में रहना चाहिए। के लिए तो ये सब देना पड़ता है, ये ऑलरेडी सोल्ड आउट है, जिस किसी को भी चाहिए ऐसी लॉरी मिल जाएगी, अवेलेबल करा देंगे। तो मतलब कैसा केज में रखना चाहिए, खुला रहे, छोड़ देना चाहिए? खुला रहने वाली बर्ड है भाई, ये केज वाली बर्ड नहीं है, मतलब टाइम देना पड़ेगा उसको। नहीं, खुला ही रखो इसको, खुला रखने का, केज वाली बर्ड नहीं है। तो ये अभी फुल्ली टेम है और टॉकिंग बर्ड है। तो भाई जो इसका प्राइस रहेगा वो भाई आप कॉल में बता दोगे ना? और ये सबसे ज्यादा बात करने वाली लॉरी है, चैटरिंग लॉरी बोलते हैं इसको, येलो बैक चैटरिंग लॉरी, ये मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा बात करने वाली लॉरी यही होती है। तो ये बहुत फेमस है यूट्यूब जगह पे, आप इसको देख सकते हो, इसका नाम भी वेलवेट ही है, और ये बहुत ही प्रीमियम लॉरी है। तो ये मुंबई में ज्यादा बहुत कम लोग के पास रहेगी ना इसी ब्रीड के पास है। तो वाजिद भाई के पास है, देखिए अली ब्रीड कैसी है, फुल कलर देख सकते हैं इसका, और एकदम हैंड में तो बैठी है, आराम से हाथ पे आराम से बैठी है। तो इसका मतलब घर, जिसका घर बड़ा रहेगा उसमें ऐसा रख सकते हैं पूरा, इसको अपार्टमेंट में रखने लग बेस्ट है। अपार्टमेंट में, हाँ अपार्टमेंट में रहने वाली बर्ड है। और मतलब कोई और दूसरी बर्ड के साथ रहती है कि इसको अकेले रखना पड़ता है? स्पीशीज क्या रहेगी, जो भी लॉरी की स्पीशीज है। तो भाई अभी अपने पास और क्या चीज है देखने को? दूसरी लॉरी की बेबीज है मेरे पास, कम कम, तो ये भी मतलब वही उसकी स्पीशीज में है जो रेड वाली है। हाँ, उसकी स्पीशीज है, बट ये स्मॉल लॉरी है, वो बिग लॉरी कैटेगरी में आती है, और ये जो है अभी बच्चे है, हैंड पिक पर है। तो ये मतलब लॉरिस में जो मतलब मिक्स कलर रहता है, अलग यूनिक यूनिक कलर से रेनबो लॉरी बोले तो इसका कलर में सब मिक्स आता है। तो ये भी भाई पे सेल के लिए ही है। तो पिछले टाइम में जो हम आए थे तो इसे बड़ी थी ना, हाँ, बड़ी लॉरी, और ये बेबीज है, तो ये भाई का बेबीज भी अवेलेबल, इससे छोटी भी सेल होती है कि छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, जो साइज बोले वो साइज मिल जाएगा। तो इसका भी वही सेम जो है फीडिंग वीडिंग वही रहेगा, जो सेम फूड से। लॉरी में बहुत सारे म्यूटेशन आती है, ये भी एक म्यूटेशन है, वो भी एक म्यूटेशन है, तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी। तो भाई इसमें कौन कौन सी स्पीशीज रहती है लॉरी में? इसमें कोकोनट लॉरी आती है, रेड कलर आती है, फिर इसमें फिर अपना रेनबो लॉरी आती है, फिर इसमें ऑर्नेंट आती है, मैरीगोल्ड आती है, इसमें बहुत सारी लॉरी आती है।
तो ये रेमबो लॉरी है। ये रेमबो लॉरी की तो जो दूसरा वाला भी दूसरा ही है स्मॉल में सेम साइज है। और भाई अपने पास और क्या क्या आई है अभी ब्रीड्स में स्पीशीज अलग अलग? इसके बाद में क्रिम्सन वैली का लोरा, क्रिम्सन वैली का नाम है नीचे रखे दो, क्रिम्सन वैली का है, ब्लू कलर है, ब्लू येलो का, ब्लू ग्रीन की कलर है, ये पाइनएप्पल कलर में मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे पाइनएप्पल। तो इसमें भी अलग अलग रहेगी ना ब्रीड्स? हैंड फीडिंग पिक्स है, सारे हैंड फीडिंग है, और ये पूरे सेल्फ फीडिंग पिक्स है, ये पूरे सेल्फ फीडिंग है, सन टैनिंग अवेलेबल है, सन टैनिंग है, कॉमोडिटीज है, अल्बिनो पैंटियो कॉम्बिन दोनों अवेलेबल है। तो भाई ये वाली कौन सी कॉकटेल कॉकटेल है? ये जो नॉर्मल जो आती है वो येलो में आती है, थोड़ी अलग डिफरेंट कलर लग रहा है। तो इसमें भाई अलग अलग आती है स्पीशीज? ये हाई म्यूटेशन कॉकटेल है, ये फुल्ली हेल्थ टेम है, फुल्ली टेम कर रहा है। तो भाई जो अच्छी कह रहे हो कैसे कह रहे हैं इसकी? ये बेसिकली शॉप फूड खाता है, काला चना हो गया, स्प्राउट हो गया, यही सब खाता है, इसका कोई ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है। और इसको भी आकर रखना पड़ता है कि और दूसरे बर्ड से फ्रेंडली है, से फ्रेंडली बर्ड है, फ्रेंडली बर्ड है। तो बहुत लोग इसको पालने को बोलते हैं कि एकदम स्टाइलिश बर्ड रहती है, जिसका हेयर का हो गया यूनिक, बहुत क्वालिटी अच्छी, देखो ना आपकी क्वालिटी चेक करिए। तो भाई तुम्हारे पास और इसमें जो भी अलग अलग स्पीसीज आती है पूरी अवेलेबल है? सारे मिल जाएगी, सारे स्पीसीज। और बेबी स्टेयर है किसी को? सब मिल जाएगा। हाँ हाँ तो भाई वो जो अंदर है एल्बिनो है क्या? वो एल्बिनो का पता है, वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, इसलिए दिखा रहा हूँ। हाँ बाकी सैंगल रेड स्पेक्टर है, सैंगल जो है सारे बर्ड्स मिलेंगे आपको, जो चाहिए मिल जाएंगे। आप कांटेक्ट करिए, मेरा नंबर है 9082483710, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए, और आपको बोर्डिंग सर्विस भी मिलेगी। आपको कोई भी बर्ड रखना है तो आप यहाँ पे बोर्डिंग कर सकते हो, बोर्डिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है मेरे पास। और भाई बहुत लोग बोलते हैं मतलब कॉल करते उठाते नहीं, ऐसा बोलते भाई बिजी रहते हो ना? नहीं कॉल तो करते, मैं जितना कॉल आता है मैं उतना उठाता हूँ। नहीं तो भाई का मैं इंस्टा आई डी कर दूंगा, किसी को डीएम करना तो डीएम भी कर देना। बाकी मैं 100% देख रहा हूँ, शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूपी रहते हैं, मैंने उनको बोला मैं ट्रांसपोर्ट नहीं करता, और आपका ट्रांसपोर्ट है तो आप बताइए। तो मतलब डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया रहता है? ऑल ओवर इंडिया नहीं, मेरा मुंबई, महाराष्ट्र और अपना बैंगलोर, जहाँ तक पॉसिबल हो पॉसिबल है। बाकी तो मैं यूपी की साइड भेज नहीं पा रहा हूँ, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, बर्ड्स तो जा नहीं पाती हो। ओके गाइस मैं पहुंच चुका घर पे, और मैंने आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखा दिए अलग टाइप्स, और जो मोस्ट एक्सपेंसिव बर्ड थे मैंने वो भी दिखा दिया, जो काफ़ी सारे रेट है, मतलब मुंबई ज़्यादा किसी पास है ही नहीं, पर जो वाजिद भाई के पास था तो हम लोग जाके दिखाया, मैंने पूरा आपको कवर करके दिखाया, येलो बैक चैटरिंग लॉरी नाम था, मतलब इतनी ब्यूटीफुल कलर था उसका। तो इसको चेहरे का तो मैं जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई का इंस्टाग्राम का, तो वहाँ से आप डीएम करके जो भी आपको बर्ड्स चाहिए वो परचेस कर सकते हो। हैंड टेम्स बर्ड्स आते रहते हैं, हैम्स्टर्स कैट्स सब अवेलेबल रहता है भाई के पास, तो एक बार भाई को डीएम कर देना, और नंबर भी दे दूंगा तो आप कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।